दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, एलटी ग्रेड टीचर का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है और ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार रिटर्न एग्जाम होने जा रहा है और बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, माइनस मार्किंग भी होने वाली है और इसी के साथ साथ एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी घोषित कर दी गई, यानी कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 30% और अदर कैंडिडेट्स को 40% मिनिमम मार्क पाना अनिवार्य है। यानी कि एक तरीके से जैसे आप जब एकेडमिक देते थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आप उसे 33% या इसके रिगार्डिंग एक कट ऑफ की डिमांड की जाती थी, तो वैसे ही एक कट ऑफ यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर उससे कम अंक कोई प्राप्त करता है तो उसकी मेरिट नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू से देखते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, upsc.up.nic.in। इस पर आने के बाद आप नोटिफिकेशन पर आकर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा। देखिए, इसमें दिया गया है सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड परीक्षा और एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। स्टार्ट डेट है 15 मार्च। फीस डिपोजिशन कर सकते हैं आप 12 अप्रैल तक। फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल तक। यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप अवश्य पढ़िएगा ताकि आपको सही से ये पता चल जाए कि आवेदन कैसे करना है। एडवर्टीजमेंट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने के विभिन्न ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि DOC फाइल हिंदी अंग्रेजी में और PDF फाइल हिंदी अंग्रेजी में आप देख सकते हैं। सैंपल दे दिया गया है, सैंपल कापी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सैंपल कापी ऑफ सबमिट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और सैंपल कापी ऑफ कंप्लीट प्रोसेस, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा अच्छे से। वैसे भी मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी की जो PDF इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड करने के बाद चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये बात करेंगे कि देखिए, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख सके। देखिए, यहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है किसी को, ठीक है। और अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता आरक्षण आदि के संबंध में किए गए दावों के आधार पर उन्हें परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जाएगा एवं चयनित होने की दशा में उनका चयन परिणाम अभ्यर्थन पूर्णतया औपबंधिक रहेगा। अंतिम चयन परिणाम की घोषणा के पश्चात ऑनलाइन दावों के समर्थन में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सहित, यानी कि जो आप आवेदन कर रहे हैं इसकी हार्ड कॉपी आप सेफ रखिएगा। इसी के साथ जो जो शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब आपने इसका उल्लेख किया है ऑनलाइन आवेदन करते समय, उसकी स्वप्रमाणित प्रतियां और मूल कॉपी आपको वहां पे दस्तावेज यानी कि DV के समय दिखानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जान लीजिए आप। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूं आपको, 15 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फीस डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद फिर आप पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। द्वितीय स्तर पर 3 चरण है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल OBC के लिए ₹125 है, SC ST के लिए ₹65 है और विकलांग के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ₹25 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को देना है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी आई हैं, किसमें मतलब किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल पदों की संख्या है 10,768 की, आपको और भी अच्छे से दिखे। तो कुल पदों की संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10,768 है, जिसमें पुरुष शाखा के लिए 5,384 पद हैं और महिलाओं के लिए 5,404 पद हैं, ठीक है। अब देखते हैं पुरुषों के लिए कितने पद हैं और इसमें क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हिंदी में कुल पद हैं, मतलब कि कुल पदों की संख्या 696, इसमें जनरल को मिलेंगे 348 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग को 188, अनुसूचित जाति को 147 और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में कुल पदों की संख्या है 645, जनरल के लिए 322 और OBC के लिए 174 है। गणित के कुल पद हैं 561, देखिए ये सब पुरुष के लिए है, महिला के लिए अलग से है। एक चीज़ और, उसमें देखिए गणित में 561 पद हैं, अनारक्षित में 280 है जनरल के लिए और OBC के लिए है 151। विज्ञान के लिए 571 पद हैं, 285 पद जनरल और 154 पद OBC। सामाजिक विज्ञान के लिए 926 पद हैं, 462 जनरल और 250 OBC। कंप्यूटर के कुल पदों की संख्या है 898, 449 पद जनरल और 243 OBC। अदर कैटेगरी के जो हैं वो आगे देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। उर्दू के लिए 71 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 35 और OBC के लिए 20 पद हैं। जीव विज्ञान के 336 पद, 168 जनरल, 92 OBC। संस्कृत टोटल 274, जनरल 137, OBC 74। कला का 192, 96 जनरल, 52 OBC। संगीत के केवल 8 पद हैं, 4 जनरल है, 2 OBC के लिए है।
वाणिज्य के देखिए पद पिछली बार केवल 3 दिए गए थे, इस बार पद बढ़ गए हैं, 26 पद हो गए हैं। जो लोग बीकॉम किए हैं वो लोग इस पे आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देखिए कुल मिलाकर 13 पद हैं, इसमें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 7 पद हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए 140 पद, कुल 70 जनरल 39 ओबीसी, गृह विज्ञान का केवल 1 पद है। तो यानी कि जो लोग गृह विज्ञान से हैं, बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही कठिन है। कृषि के लिए कुल 19 पद हैं और 10 पद जनरल हैं, 5 पद ओबीसी हैं। तो कुल पदों की संख्या होगी पुरुषों के लिए 5,364, जिसमें जनरल के लिए कुल है 2,680 और ओबीसी के लिए 141, बाकी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं महिला श्रेणी के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए कितने पद हैं। तो महिलाओं के लिए हिंदी के पद हैं 737 कुल, जिसमें जनरल को मिलेगा 369 और ओबीसी को मिलेगा 198। अंग्रेजी के लिए 675 पद कुल, 338 अनारक्षित है और 181 ओबीसी है। गणित के 474 पदों में से 237 पद जनरल है, 128 ओबीसी है। विज्ञान के 474 पद हैं, 237 जनरल है, 128 ओबीसी है। सामाजिक विज्ञान के 928 पद हैं, 464 जनरल, 250 ओबीसी। कंप्यूटर के 775, 388 जनरल, 208 ओबीसी। उर्दू के 62 पद, 31 जनरल, 17 ओबीसी। जीव विज्ञान के 259 टोटल, 130 जनरल, 70 ओबीसी। इसी के साथ संस्कृत के 242 और 121 जनरल हैं, 65 ओबीसी है। 278 पद कला के हैं, 139 जनरल और 75 ओबीसी। 60 पद संगीत के लिए, 30 जनरल, 16 ओबीसी। वाणिज्य के देखिए 3 पद हैं महिलाओं के लिए और 1 पद जो है जनरल का है, 1 पद ओबीसी का है। शारीरिक शिक्षा के लिए 168 पद हैं, जिसमें 84 पद जनरल के हैं और 46 पद ओबीसी के। गृह विज्ञान के लिए देखिए यहाँ पर 269 पद हैं महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी बात है, गृह विज्ञान का कुल 269 पद है, जिसमें 135 जनरल महिला के लिए है और 73 पद जो है वो ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो महिलाएं जो मतलब बीएससी या बीए की हुई हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छे पद हैं। पुरुषों के लिए पद कम है, पुरुषों के लिए गृह विज्ञान का पद यहाँ पे सिर्फ 1 रखा गया है। तो खैर, होम साइंस से जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करते भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पद जो है ये अस्थायी प्रकृति के हैं। वेतनमान होगा आपका 44,900 से 1,42,400। देखिए यार, ये थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लग रहा बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, शासन विभाग के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आरक्षण तो मिलेगा जैसा था वैसे ही, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब देखते हैं आगे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई, तो इसको भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर वैवाहिक स्थिति और अर्हता के बारे में आ गई। तो वैवाहिक स्थिति में ये बता दूँ कि जिनकी एक से अधिक पत्नियाँ हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में, और ये देखिए कॉमन है, पुरुष और महिला दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक चाहिए, मतलब कम से कम हिंदी के साथ आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट आपका होना है, या इंटरमीडिएट में मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई दूसरी परीक्षा पास की है तो उसमें भी संस्कृत का होना अनिवार्य है। सिंपली ग्रेजुएशन में हिंदी अनिवार्य है और इंटर में संस्कृत अनिवार्य है, तब आप हिंदी के लिए आवेदन कर पाएंगे। बीएड तो अनिवार्य है ही। देखिए यहाँ पर बीटीसी वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसको आप पहले से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ बीएड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो बीएड सबके लिए अनिवार्य है। और इसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में। तो अंग्रेजी में जो होगा, देखा अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बीएड की आवश्यकता रहेगी। गणित के बारे में, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने एक विषय के साथ गणित के लिए स्नातक की उपाधि हो आपके पास और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक, यानी कि बीएड होना चाहिए। विज्ञान के लिए देखिए यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं आपको कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान अगर आपका नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप विज्ञान के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है। यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने थर्ड ईयर में जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक छोड़ा होगा, फिजिक्स मैथ रहा होगा या फिर केमिस्ट्री मैथ रहा होगा, तो वो भी आवेदन कर पाएंगे इसमें, थर्ड ईयर में चाहे जो कॉम्बिनेशन रहा हो आपका, बीएड अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए ग्रेजुएशन में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से कम दो विषयों के साथ आपके पास स्नातक की उपाधि होनी जरूरी है और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कंप्यूटर शिक्षक के बारे में। तो कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
बीटेक या बी कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए, या कंप्यूटर विज्ञान में आपने विज्ञान में स्नातक किया हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक किया हो आपने, जैसे BCA जो लोग किए हैं, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने स्नातक किया हो। इसी के साथ देखिए NEET से जिन लोगों के पास ए लेवल का जो है सर्टिफिकेट है, और वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और BEd इसमें भी ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि BEd नहीं है, BEd है, ठीक है, BEd सबके लिए है। उर्दू के बारे में देख लीजिए, और उर्दू इसके बाद बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर सेकेंड ईयर तक रहा है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे, और इसी के साथ BEd होना जरूरी है, ठीक है। संस्कृत के लिए क्या होगा कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसी विश्वविद्यालय से समकक्ष, यानी कि संस्कृत में आपका BA होना जरूरी है और उसी के साथ BEd होना आवश्यक है। कला के लिए देखिए, कला में भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक होना चाहिए, ठीक है। संगीत के बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए वाणिज्य के बारे में, तो वाणिज्य में क्या होगा कि वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग BCom किए हैं सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे, और यहाँ पर शिक्षा स्नातक होना आपका जरूरी है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए शारीरिक शिक्षा के लिए, और इसी के साथ BPed होना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो लोग BPE या BPed किए हैं वो लोग सारी शिक्षा के बारे में आवेदन कर पाएंगे। आगे है गृह विज्ञान, तो देखिए पुरुष और महिला दोनों के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और BEd होना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए कृषि के लिए क्या है, कृषि या उद्यान कर्म जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि चाहिए और ग्रेजुएट चाहिए, मतलब BEd चाहिए। तो यहाँ पर देखिए BEd सबके लिए कंपलसरी है, उसके बाद रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका जो है एलिजिबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी नोट दिया गया है कि सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए जो लोग आवेदन करेंगे तो केवल उसी एक विषय के पद के लिए अर्या पात्र माने जाएंगे जिसमें प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो मतलब जिसकी परीक्षा आप देंगे आप केवल उसी में पात्र माने जाएंगे, बाकी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आयु सीमा की गणना जो होगी वो 1 जुलाई से की जाएगी, 1 जुलाई 2018 को। आपकी आयु 21 वर्ष की आयु या उससे अधिक होनी चाहिए, या 40 वर्ष से कम होना चाहिए, और आपका जन्म मतलब कि 2 जुलाई 1978 से पहले का और 1 जुलाई 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन है तो अधिकतम आयु सीमा 55 साल है, यानी कि जो PWD कैंडिडेट हैं वो 55 साल की उम्र सीमा तक आवेदन कर सकते हैं। उनका जन्म 2 जुलाई 1963 के पहले का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, तो खैर इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी छूट मिलती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो छूट मिलेगी जनरल के की एज जो है 21 से 40 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभ्यर्थी ओम्यार उत्तर पत्र को भरने में केवल काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करेंगे, पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग मत करिएगा। ओम्यार उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा सही सी सूचनाएं भरी जाएं। ओम्यार उत्तर पत्रक में भरी गई सूचना को व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ से मिटाइएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओम्यार आंसर शीट 2 प्रतियों में, एक मूल प्रति होगी और दूसरी अभ्यर्थी प्रति होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओम्यार आंसर शीट की मूल प्रति जो ओरिजिनल कापी होगी वो जमा हो जाएगी और कैंडिडेट कापी आप अपने साथ ले जाएंगे। गलत उत्तर जो देंगे उन पर माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए जितना भी अंक नियत किया गया है उसमें से 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा, ठीक है। अब कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए जैसे कि उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। यानी कि या तो अगर आप गलत उत्तर देंगे तब भी 1/3 कटेगा, अगर आप एक से अधिक उत्तर देते हैं तब भी आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, और अगर आप कोई प्रश्न हल नहीं करेंगे तो कोई दंड काटा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए SC ST, यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट हैं उनकी न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि मिनिमम एफिशियंसी स्टैंडर्ड 30% निर्धारित है, अर्थात इन श्रेणियों के लिए अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता या चयन सूची में यानी कि मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार
अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं होंगे। यानी कि जो एससी एसटी हैं उनका 30% प्राप्त करना अनिवार्य है तभी वो मेरिट लिस्ट में उनका स्थान बनेगा, और जो ओबीसी और जनरल हैं और मतलब कि अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 40% मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए देखिए फोटो से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो फोटो होगी वो एक ही में होना चाहिए। देखिए फोटो और सिग्नेचर एक ही में लग के अपलोड होना है, और फोटो की जो चौड़ाई होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई होगी 4.5 × 1.5। तो जो 1.5 का जो बॉक्स लगेगा इसमें सिग्नेचर होगा, ऊपर वाले में फोटो होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रोफार्मा दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, इसको बनवा के रख लीजिएगा। जब डीवी होगा तो जो भी उसमें आपके लिए आरक्षण के लिए जो भी ये डॉक्यूमेंट आपने लगाया है तो वो डॉक्यूमेंट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो स्वीकार होगा, नहीं तो स्वीकार नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। अब इसके बाद देखिए नीचे जो है सिलेबस दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है आवेदन कैसे करना होता है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स ये रही एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी की पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल, नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और उसके बाद तैयारी में भी आप लग जाइए, क्योंकि परीक्षा भी जल्दी होने वाली है। मुझे लगता है कि परीक्षा आवेदन जमा होने के लगभग 1.5-2 महीने के बाद हो जाएगी, तो कुल मिला के आपके पास 3 या 4 महीने का समय है। ठीक है, ये एक अनुमान है, समय बढ़ सकता है लेकिन मुझे लगता है कि 3 महीने से अधिक का समय नहीं है आपके पास। तैयारी में लग जाइए, सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हर डाउट का जवाब मिलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन अवश्य देखिएगा। देखिए हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि आगे के जो भी अपडेट्स हों रेगुलरली आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।